Why are the electric bikes in India so expensive? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा, है ना? And you hardly find the answer. So this the video is all about. इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स और रीजंस बताऊंगा, जिसे will come to know कि इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स इतनी महंगी क्यों है. So hey guys, this is Ajay and you're watching InfoTalk, the ocean of knowledge. इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है और लोग इसे खरीदना भी चाह रहे हैं, लेकिन ड्यू टू इट्स हाई प्राइस लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास वालों की बजट हमेशा सीमित रहती है. लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स ऐसे ही इतना महंगा नहीं होता. इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन है, जिनमें से पहला रीजन है इसकी हाई कॉस्ट ऑफ बैटरी. तो देखो यार, इलेक्ट्रिक बाइक्स की मेन पावर सोर्स होती है इसकी बैटरी, जिसके बदौलत आप 50-80 किलोमीटर राइड कर पाते हैं. तो अगर आपकी बाइक में कोई सस्ता टिकाऊ बैटरी लगी होगी तो डेफिनेटली आप इस माइलेज को अचीव नहीं कर पाएंगे, और इसमें आपको लाइफ साइकिल भी कम मिलेगी और बैटरी जल्दी ही ड्रेन होना भी स्टार्ट कर देगी. और इसीलिए कंपनी भी बैटरी के साथ कंप्रोमाइज ना करते हुए इसमें खासकर लिथियम आयन बैटरी का ही प्रयोग करती है, क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी रेट काफ़ी हाई होती है और इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगता, और इसमें लाइफ साइकिल भी ज़्यादा मिलती है, करीब 800 से ज़्यादा, जिसे एक लिथियम आयन बैटरी 4-5 साल तक आराम से चल जाती है. और एसिड बैटरी के कंपैरिजन में लिथियम आयन बैटरी थोड़ा हल्का भी होता है, जिससे बाइक के ओवरऑल वेट में भी हमें कमी देखने को मिलती है. लेकिन लिथियम आयन बैटरी की जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसकी हाई कॉस्ट. करीब 8000 से लेकर मोर देन 50,000 का आता है एक लिथियम आयन बैटरी. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की कॉस्ट इतनी हाई क्यों होती है. दूसरा जो रीजन है वो है इसकी हाईली एफिशिएंट मोटर. बैटरी के बाद मोटर इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बाइक को मोशन देती है. एक अच्छा ई बाइक में अच्छा क्वालिटी वाली हाईली एफिशिएंट मोटर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 25 किलोमीटर की स्पीड तो क्या 20 तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, और हिल क्लाइंब तो आप भूल ही जाइए, आप फ्लाईओवर भी नहीं चढ़ पाएंगे. और इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक्स में हमें हाईली एफिशिएंट मोटर ही देखने को मिलती है, जिसकी कॉस्ट आती है करीब 15,000 से लेकर मोर देन 1 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपन वोल्ट वॉट एंड क्वालिटी. इसके अलावा अगर कोई कंपनी किसी स्पेशलाइज्ड कंपनी जैसे वफैंग या फिर बोस का मोटर यूज करती है तो इससे भी बाइक की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इन कंपनियों का एक एंटी लेवल मोटर ही आता है करीब 25,000 से 30,000 का. तीसरा जो रीजन है वो इसकी हाई कॉस्ट ऑफ फ्रेम. एक ही बाइक आम कन्वेंशनल बाइक से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक हाईली एफिशिएंट कंपोनेंट्स लगाई जाती है, और इसे झेलने के लिए इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को मजबूत होना बहुत जरूरी है. और इसलिए कंपनीज भी बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरह की कंप्रोमाइज ना करते हुए इसमें खासकर आम स्टील या फिर आयरन की बजाय हाई कार्बन स्टील या फिर अल्मीनियम का ही यूज करती है, जो कि काफी महंगा आता है और इससे बाइक की नेट कॉस्ट भी बढ़ जाती है. चौथा जो रीजन है वो इसकी डिस्क ब्रेक. एक ही बाइक की स्पीड आम बाइसाइकिल से बहुत ज्यादा होती है, मिनिमम 25 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड पे बाइक को आम ब्रेक से रोकना काफी रिस्की होता है. आपकी बाइक की बैलेंस कभी भी बिगड़ सकती है और एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है. और इसी रिस्क को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कंपनी ब्रेकिंग के लिए भीड़ ब्रेक्स की बजाय इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक को ही काम में लेती है, जो कि काफी महंगा आता है और इससे बाइक की ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाती है. एक उदाहरण के तौर पर टेक्टो या फिर शिमानो की एंटी लेवल डिस्क ब्रेक ही मोर देन 5,000 का आता है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं. और जो पांचवा और आखिरी रीजन है वो इसकी लो डिमांड. इलेक्ट्रिक बाइक्स की डिमांड पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसकी हालत ऐसा ही है. और लो डिमांड होने के कारण इसकी सेल भी कम है, और इसलिए कंपनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बल्क में नहीं खरीदती, बल्कि ऑन डिमांड सिंगल सिंगल पीसेस खरीदती है. इसे इन्हें कंपोनेंट्स के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और इसलिए बाइक की नेट कॉस्ट भी बढ़ जाती है. लेकिन अगर कंपनी इसे बल्क में खरीदती तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता, लेकिन क्योंकि डिमांड कम है तो इसलिए कंपनी भी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती. और अगर ऐसा रिस्क ले भी लिया तो इसे स्टोर करने के लिए इन्हें अलग से एक वेयरहाउस चाहिए होगा, और जिसके लिए फिर अलग से खर्चा आएगा, और इस सिचुएशन में कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा खर्चा उठाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी. इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक बाइक आम बाइसाइकिल से हेवी होता है, और हेवी होने के कारण इसकी शिपिंग चार्जेस भी बढ़ जाती है, और जैसे ही शिपिंग चार्ज बढ़ता है तो कंपनी भी बाइक की नेट कॉस्ट इंक्रीज कर देती है. इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस है, जैसे अगर बाइक्स में हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स जैसे गियर्स, टायर्स, स्मार्ट डिस्प्ले या फिर अन्य फीचर्स लगी होगी तो डेफिनेटली बाइक की कॉस्ट बढ़ जाएगी.
तो बस यही थे वो सारे मेन रीजंस जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक बाइक इतना महंगा आता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक इतनी महंगी क्यों होती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट अपॉन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।